सर उस पे पैसे थे हमारे। किस पे? बस पे आरिस पे। तो उसने बोला था कि नहर पे चल रहे पैसे देने के लिए, कुछ तो दे दिए थे उसने। भाई को बुलाया था? हाँ जी। तो भाई गया नहीं था, भाई रुक गया था तो कोना पार्क पे। तो भाई को बुला के फिर इन्होंने बुलाया मॉल पे। तो मॉल पे ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं पता है। मैं तो कंपनी से 5 बजे छुट्टी करके आया हूँ, वहाँ से मैं सीधा बीके पहुँचा हूँ। बीके में पहुँच के तो इनको बटवा पटवा मैडम ने मांगे थे कि आधार कार्ड करने के लिए मुझे वो दे दो। तो इनका कहना कि चाकू तू तो तेरे पे था, चाकू तूने फेंका है। किसका कहना? इनका पुलिस वालों का, दो नंबर पुलिस का। हाँ जी। ये भाई को चाकू लगे थे? चाकू लग रहा था भाई के तो, लेकिन गाड़ी फाड़ी में कुछ नहीं मिला था। मेरे पास सिर्फ बटुआ था, पुलिस वाले पे फोन था, पुलिस वाले ने मुझे भी दिया था फोन भाई का ही, मेरा इसमें कोई मैटर नहीं था। तो वे भी मुझे भी फंसाने लग रहे थे वो पुलिस वाले, तो तू भी था, तू भी तुम दोनों भाई थे, तो या तो तूने मारा अपने भाई के, ये कहने लग रहे थे। पर भाई वहाँ पे 5 तारीख को ही वहाँ पे लेके गए थे, दो नंबर चौक में मिले थे। मुझे भी बताया था मैं ड्यूटी से आया हूं। हाँ जी। फिर क्या आपसे चाकू बरामद करना चाहते थे? हाँ, मुझ पर मेरा नाम लड़ता कि तुझ पे चाकू। मैं 5 नहीं पीटा नहीं है मुझे। किसने पीटा था? किसी ने नहीं मारा मुझे। पीटा गया आपको? नहीं, कोई दौड़ थप्पड़ मारे थोड़े, एक दो रेपे मार दिए थे गाड़ी में। पर भाई को भी मारते हुए ले गए, भाई ने कहा मुझे टॉयलेट करनी है, लैट्रिन करनी है, और उसको मारते लिए गए थे नुगर था चौकी वाले, चौकी वाले दो नंबर चौकी वाले यहाँ से पीटते हुए ले गए थे वहाँ से चौकी से। तो चाकू लगे हुए टाके लगे हुए फिर भी पीटते थे सर उसको। जब एस आई बाबा ने डंडा अंत मारते, पुलिस वाले तो क्या टाके नहीं देखेंगे, मेरे सामने खुद मारा वो दो नंबर वालों ने। दो नंबर वाले मारते हुए ले गए थे। हाँ, यहाँ से नहीं, वहाँ भी मारा था चौकी में। हाँ, मम्मी पापा को किसी को नहीं मिलने दे रहे थे। 5 तारीख का बंदर, रोटी पानी को कुछ नहीं है। 5 तारीख से भाई आपका पुलिस की कस्टडी में था? हाँ जी। हाँ, तो उसका आप पैर बांध रखो कुछ भी सही। तो वहाँ से ना लेके गए थे हम, इसको लेके गए थे कल शाम के टाइम। कौन ले गया? वे पुलिस वाले दो नंबर वाले सी बैन के पास हमको पकड़ के लाए थे। 65 ये ले गई थी। हाँ जी। तो रास्ता, हाँ जी, तो मैं थाने में बोला था यहाँ पे दो नंबर वाले में कि पापा कहाँ है मुझसे। मैं पीछे बैठा लिया था, आगे बैठा लिया था, तो मुझे भी, मुझे तो मारा नहीं था, तो भाई के में मारा था। तो उनको बैंड कलोड़े तुझे अभी बोलने की तब वो नहीं है, थोड़ी देर बैठा रहे। शिवान के पास गया था, उनसे बोले थे दोनों बहन का रिमांड लेना है। तो भाई को तो ले गए थे पीछे, मेरे को आगे लेके गए थे, मेरे को बैठा दिए कमरे में, मेरे सारे कपड़े उतार लिए थे नुगर चलते। कच्चा तो पैर रखा था मैंने। तो उसके बाद नुगर सच सच बता दे क्या करा तूने क्या नहीं। मैंने सर मैंने कुछ भी नहीं करा, जो मैंने बोला था वो मैंने सर को भी बता दिया था। मैं तो ड्यूटी से आया था 5 बजे, ना तुम मालिक से बात कर लो। तो जब क्या कह रहा था, तू तो आगे आगे हमें बढ़ेगा, तो जब रिमांड पे लगूंगा चल तू। तो मेरे कपड़े उतरवा के, मम्मी से कह रही कपड़े, मम्मी से भी बोल लेते यहाँ पे वैसे तो, कपड़े उतरवाए थे मेरे, कपड़े उतरवा के मेरे को 1.5-2 घंटे के आसपास हवालात में रखा था। उसके बाद भाई को लेकर आए थे अंदर, उसने वो भी कच्छा थे था, तो अंदर वो भाई को मार रहे थे मेरे सामने की बात है। किस तरह से मारा था? वो डंडा से मार रहे थे, हाथ बांध रखे थे उसके, हाथ बांध करके। हाँ जी। पैर बांध रखे थे? पैर नहीं बांध रखे, पैर इनके पीछे बांधे होंगे, आगे मेरे कुछ नहीं थे, सिर्फ मेरे आगे हाथ बांधे थे और मार रहे थे। तो मेरे को जो हवालात में तो छोड़ दिया था, चोट पे भी मारा था बता रहे हैं। हाँ, चोट लगी थी वहाँ भी मारा। हाँ जी, हवालात में तो मैं निकाल दिया था, मैं दूसरे कमरे में कपड़े बदलने के लिए बोल दिया था, तो फिर और मारा था उसने। मेरे सामने भी मार रहे थे, मैं मारता हुआ छोड़ का। कल शाम को पीट रहे, कल शाम को पीट रहे थे, और भाई की रात को ही लगभग मौत हो गई। हाँ जी। तो क्या लगता है मौत कैसे हुई? वो कह रहे की फांसी लगा। सर फांसी कुछ नहीं लगाया, उन्होंने मारा है, पिटाई से मौत। हाँ जी, वहीं पे हुई है मौत इसकी। इसके पास जब कुछ भी नहीं था, मेरे साथ गया, वो एक कमरे में था जब वहाँ पे कुछ नहीं था, इसके पास ये कहाँ से आ गया? जब कपड़े उतार के मार ही रहे थे तो फांसी कहाँ से लगा ली? तो वही तो ये सोच रहा हूँ मैं, ये खुद इन्होंने कह रहे कि पता नहीं क्या क्या नहीं है। हाँ, मारा उसी ने, उन्होंने मारा, 3-4 जने थे वो, और डंडा से मार रहे थे, प्रशासन ने मारा। दो नंबर चौकी इंचार्ज, चौकी की और सीआईए की मानते हैं दोनों की है जी। ये उड़े तो भी मारते हुए ले गए, तो दोनों की पिटाई से मौत हुई है। पटाई वहीं से हुई है, वहीं मारा वो। पुलिस ने तो 2-3 रैपे मारे थे। सर हमें तो इंसाफ चाहिए बस। हाँ जी, और कुछ नहीं। ये एक मुकदमा पहले जो पुलिस स्टेशन कोतवाली में दर्ज हुआ था, जिसमें मारपीट का मुकदमा था, और BNS के अकॉर्डिंग उसमें सभी सेक्शन लगाई गई है। तो उसी में ये अक्यूज थे, और जिसमें कस्टडी के दौरान जो जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, तो उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। अभी परिवार से बयान प्राप्त हो, शिकायत प्राप्त हो गई है, शिकायत ली जा रही है? अभी शिकायत जैसे भी परिवार देगा उसके हिसाब से हम कार्रवाई। परिवार आरोप लगा रहा है कि उसकी पुष्कर मौत हुई है, कहीं पीट पीट के मारा गया है, तो क्या देखो ये इंक्वायरी का मैटर है, जुडिशियल इंक्वायरी भी हो रही है, और जो परिवार लिख के देगा जो भी सूचना मिलेगी, हम उसके हिसाब से लीगल कार्रवाई करेंगे। न्याय मिलेगा परिवार? बिल्कुल न्याय। थैंक यू।